मैं कमलेश सर अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका स्वागत करता हूँ। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश GIC लेक्चरर एंड TGT PGT अथवा LT ग्रेड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? ऑप्शन ए है 3 जून 1947, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 4 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1947। तो इसका सही आंसर होगा ए 3 जून 1947, और यह आपके एग्जाम PGT में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रश्न सब। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। ऑप्शन ए है 4 जून 1947, ऑप्शन बी है 10 जून 1947, ऑप्शन सी है 3 जून 1947, ऑप्शन डी है 3 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर होगा सी 3 जून 1947। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन ए है 13 जून 1947 को, ऑप्शन बी है 3 जून 1947 को, ऑप्शन सी है 3 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी है 13 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 जून 1947 को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। ऑप्शन ए है जून 1947, ऑप्शन बी है अगस्त 1947, ऑप्शन सी है जून 1948 और ऑप्शन डी है अगस्त 1948। तो इसका सही आंसर होगा सी जून 1948। जून 1948 को अंतिम तारीख तय कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान कब बना? तो पाकिस्तान कब बना प्रश्न है, पाकिस्तान कब बना था? तो ऑप्शन ए है 13 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1947 को। इसका सही आंसर होगा बी 14 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? सीधी कार्रवाई दिवस से तात्पर्य है डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित किया। ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 12 अगस्त 1945, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1944 और ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1946। इसका सही आंसर होगा डी 16 अगस्त 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बम्बई में नव सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? बम्बई में नव सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था?
ऑप्शन ए है फरवरी 1946 को, ऑप्शन बी है जून 1945 में, ऑप्शन सी है जून 1946 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए फरवरी 1946 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। ऑप्शन बी है भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। ऑप्शन सी है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। और ऑप्शन डी है स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इसमें सत्य कथन डी केवल है, स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऊपर के कथन सत्य नहीं है क्योंकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गीत है। तो इस तरह से केवल इसमें एक आंसर सही है, सत्य कथन है डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए है ब्रिस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी है हैरोल्ड मैकमिलन और ऑप्शन डी है नेविल चेम्बरलेन। तो इसका सही आंसर होगा बी क्लीमेंट एटली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में भी आया है, आईएएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पेपर में क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा बी जे बी कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय था, और भारत का अंतिम वायसराय ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो भारत का अंतिम वायसराय पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 यानी 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है डूरंड योजना, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी है माउंट बेटन योजना और ऑप्शन डी है बेवेल योजना। इसका सही आंसर होगा सी माउंट बेटन योजना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। वन है यानी प्रथम फर्स्ट है क्रिप्स मिशन, सेकंड है गांधी इरविन समझौता और थर्ड है साइमन कमीशन और फोर्थ है देश का विभाजन। तो इसमें कालानुक्रम में हमें अरेंज करना है यानी रखना है, तो सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा 1927 में की गई थी और फरवरी 28 में साइमन कमीशन भारत आया। तो इस प्रकार
थ्री हो जाएगा, पहला साइमन कमीशन सबसे पहले हो जाएगा, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता तब हुआ जब 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यह दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट आएगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, 1942। इसके बाद फोर्थ आ जाएगा देश का विभाजन, यानी भारत का विभाजन। तो इसमें सही आंसर होगा थ्री के बाद टू गांधी इरविन समझौता, इसके बाद वन क्रिप्स मिशन, इसके बाद फोर आ जाएगा देश का विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, आचीन लेक, क्योंकि रेडक्लिफ नहीं होगा, माउंटबेटन नहीं होंगे, और सी है इसमें, यह भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, आचीन लेक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। तो राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है, ऑप्शन ए है उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधाएं नहीं दी, यह सही नहीं है। ऑप्शन बी है अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। ऑप्शन सी है हिंदू महासभा ने स्वागत किया, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है क्रिप्स प्रस्तावों को प्रभावित किया, यह भी सही नहीं है। तो इसमें सही जो होगा बी होगा, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है CR फार्मूला। तो CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो CR फार्मूला का विरोध, जिसे राजगोपालाचारी योजना के नाम से भी जाना जाता है, का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए है गांधी जी ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन ने, और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है मिर्जा गुलाम हैदर, ऑप्शन सी है राशिद अहमद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, सर सैयद अहमद खां। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए है बैम फील्ड फुलर, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर होगा ए, वैम फील्ड फुलर का यह स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा है? यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके एग्जाम TGT में पूछा जा चुका है। सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था,
यह किसने कहा? ऑप्शन ए है माइकल ब्रीचर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है माउंट बेटन। तो इसका सही आंसर होगा ए माइकल ब्रीचर। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता टॉपिक से संबंधित। इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं।